एक साइड से नदी है और दूसरे साइड से स्कूल है, और इसी जगह को, इसी स्पॉट को लोगों ने डंपिंग साइट बनाई है। आखिर वो ये नहीं सोचते कि जो बच्चे स्कूल में जेरी तालीम है वो क्या समझेंगे, वो क्या सीखेंगे, वो यही सीखेंगे कि जो भी कूड़ा करकट घरों से निकल जाता है उनको नदी के किनारे पे डंप करना पड़ता है। वो जब बड़े हो जाएंगे, इनकी अपनी फैमिली होगी, तो वो भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। जिस स्कूल में लगभग 400 बच्चे जेरी तालीम है, वो बच्चे इस गंदगी से सफर कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि ये जो स्कूल है, स्कूल के पास में गंदगी डाली जाती है और यहाँ पे नदी भी है, इस नदी में भी गंदगी लोग डालें, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ इन गांव वालों से कि यहाँ से ये गंदगी मत डालिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं इससे, और ये पानी, हम इस पानी से हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुज़िर है, इससे हम बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा वाक़ा पेश आया कि आपके स्कूल का कोई बच्चा इस गंदगी के, इस पानी पीने की वजह से बीमार हो गया? हाँ, हो गए बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में। अच्छा, अब क्या अपील है आपकी? मैं ये अपील इन गांव वालों से करती हूँ कि इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से मत डालो प्लीज, डस्टबिन में डालते हैं ये गंदगी, किसी दूर जगह ले जाओ जहाँ इसके, यहाँ मतलब जिसकी वजह से ये बीमार बच्चे नहीं पड़ जाएंगे, यहाँ से उठाए प्लीज। और आपका स्कूल इस डंपिंग साइट से कितना दूर है? आगे है, उतना दूर नहीं है, नज़दीक ही है। मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि इसे साफ रखें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को साफ रखेंगे तभी हम अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं। हमें चाहिए कि हम यहाँ पर जो सरपंच साहब, उससे भी गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, लोगों से कहे, यहाँ से लोगों को कहे कि इसमें गंदगी ना डाले, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसका पानी हम यूटिलाइज करते हैं, अपने घरों में यही पानी लेते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से इसको गंदा करेंगे तो हम भी इसे बीमार पड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे भी, जैसे कि हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं, वो भी इस पानी के पीने की वजह से बहुत बार बीमार पड़े हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ PWDO डिपार्टमेंट से भी, और यहाँ के सरपंच साहब से भी, और इस गांव की सोसाइटी से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और इस रिवर के ऊपर नजर डालें कि ये हमने साफ रखी है या नहीं रखी, और इसमें सफाई करें। आपके स्कूल में कितने बच्चे लगभग ज़ेर तालीम हैं? हमारे स्कूल में लगभग 400 से भी ज्यादा ज़ेर तालीम बच्चे हैं। जो हमारा स्कूल है वो इस डंपिंग साइट से लगभग 20 मीटर भी नहीं, 10 मीटर की दूरी पे वाक़ा है, जिससे कहीं बच्चे बीमार हो चुके हैं। जबरदस्त कंट्रोल, ये पब्लिक माना सहल सहल कह, गवर्नमेंट कर अपील अम खुद कमी क्या इन यूथ आवामस यह कर पाई दबाव, तो यह कंट्रोल गए बंद आ गंदगी पे नपर पलो मैं साइडन कह जमीन दूर प्रॉब्लम हल। और एक जरूरी बात यह है कि जो 400 बच्चे स्कूल में जेरी तालीम है, अगर इन बच्चों के सामने ऐसी गंदी हरकत करेंगे तो ये बच्चे क्या सीखेंगे? स्कूल गए ना मार गए ना सारी पे स्कूल स्कूल पे इंसानियत खत्म गुम लूख गंद अना त्रवा नालों मंदी।